शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के पधर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला परिसर में आयोजित 25वें जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जनमंच के माध्यम से ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों के गरीब लोगों को उनके घर स्तर पर तमाम जिला के अधिकारियों की मौजूदगी में जन शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से परिचित कराने, नैतिक बल और इस सत्र से 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को अब एक गीता विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। स्कूलों में गीता की पढ़ाई संस्कृत और हिंदी भाषा में होगी। अब हिमाचल प्रदेश देव भूमि है या देवी देवता निवास करते हैं, इस बार तो अरिंदम चौधरी DC यहाँ बैठे हैं, तो देवी देवताओं को मंडी की शिवरात्रि में माला माल कर दिया, बाजे बजंतरों को डबल दे दिया, देवी देवताओं का नजराना डबल कर दिया। तो देवी देवताओं की संस्कृति को बचाने वाले हमारा सराजी बेटा जयराम ठाकुर जी हैं। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं की बोली कौन सी है, देवी देवता कौन सी भाषा बोलते हैं, वेदों की भाषा कौन सी है। तो कहा गया देवी देवता वेदों की भाषा तो संस्कृत है, और कहा संस्कृत को मान सम्मान मिलना चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश में लगभग हिंदी और संस्कृत के 8000 अध्यापकों को TGT का पदनाम देके उन सबको लाभ दिया। और अब तो बहनों भाइयों ये भी कहा है देवी देवताओं के संरक्षक मुख्यमंत्री ने कि हम आने वाले दिनों में 9th क्लास से ही अपने बच्चों को गीता का ज्ञान होना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाना भी प्रारंभ करेंगे, और अपने बच्चों के लिए संस्कृत 3rd क्लास से प्रारंभ करेंगे। ऐसी अनेक प्रकार के काम हम सब लोग कर रहे हैं।